मैं गया था वहां एक दिन पहले, लोगों का एक हजूम वहां मौजूद था। शायद इसी चीज से हुकाम खौफजदा हो गए, जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है वो टूट जाएगा, पाश पाश हो जाएगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पार्टी की, ग्रेजुअली इस नतीजे के ऊपर पहुंच चुकी हुई है, इनसे किसी स्पेस मिलने की कोई तवक्को नहीं है और नहीं करनी चाहिए हमें। आपकी जमात का जलसा कैंसिल हुआ, अब क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि अगर इमरान खान बाहर होते तो कभी भी वो जलसा कैंसिल ना करते, तो जो जमात की लीडरशिप ने इस वक्त फैसला लिया वो फैसला दुरुस्त नहीं था। क्या आप भी इसको इसी नज़र से देखते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जब मीटिंग हुई, हमारी पहली मीटिंग हुई, जब पता चला कि उस रात को मैं गया था वहाँ एक दिन पहले, कुछ 6:15 बजे शाम को मैं गया था अपने कुछ 4-5 लोगों के साथ, तो लोगों का एक हजूम वहाँ मौजूद था और बहुत पैशनेट एंड एंथुजियास्टिक क्राउड था। सो हम लोग बड़े खुश हुए कि ये तो कल जलसा बहुत अच्छा हो जाएगा, और मेरा ख्याल शायद इसी चीज़ से जो हुकाम खौफजदा हो गए कि अगर इनका जलसा अच्छा हो गया तो जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है वो टूट जाएगा, पाश पाश हो जाएगा। सो रात को वो हुआ तो लेट नाइट हम लोगों ने मीटिंग की। वेरी फ्रैंकली पार्टी में दो राय थी, एक राय ये थी कि हमें जलसा करना चाहिए, एक राय ये थी कि नहीं, हमें चूंकि हम कोर्ट के ज़रिए हमें ये परमिशन मिली हुई है इसलिए हमें दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहिए कोर्ट से। तो ये जो दूसरी राय थी ये मेजॉरिटी में हुई। सो ये डिसाइड किया गया कि दूसरी सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो सैटरडे था, कि हमारे वकला जाएंगे और पिटिशन मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हफ्ते को ही लग जाए। ठीक है, तो वो गए अपने साथ, बहुत सारे हमारे एमएनएस जो थे वो भी गए, पिटिशन लगी, लेकिन उसमें जो जो ड्यूटी जज साहब थे उन्होंने कहा जी कि उसी दिन पिटिशन सुनने के लिए मुझे चीफ जस्टिस साहब की नोट चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से राबता करने की कोशिश की गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, इसलिए पिटिशन वो सैटरडे को नहीं लगी और वो मंडे को लगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग इस दफ़ा कन्वीन की गई और वहाँ भी ये दोनों आरा मौजूद थी और रखी गई, लेकिन पर अल्टीमेटली यही कहा गया जी कि इसको एज अ लास्ट चांस आप। अच्छा, वैसे सर एनओसी लेके तो कोई तहरीक नहीं चलती ना, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कब तक ये जो जिनके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं वो क्यों आपको एनओसी देंगे कि हमारे खिलाफ एहतजाज? नहीं, एनओसी दिया उन्होंने हमें, आपकी बात अपनी जब अपने तई बिल्कुल ठीक है, मैं कंसीड करता हूँ कि जी इसमें रियलिटी है और हम भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पार्टी की वो ग्रेजुअली इस नतीजे के ऊपर पहुँच चुकी हुई है कि हमें इनसे किसी स्पेस मिलने की कोई तवक्को नहीं है और नहीं करनी चाहिए हमें। कंसिक्वेंटली अब ये फैसला हुआ है पार्टी में कि ये केस तो हम अदालत में लड़ेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है, किसने हश के ऊपर पहुँचता है, लेकिन जो बाकी हमारे जो हमारे जलसे हैं जिनके लिए हमने रिक्वेस्ट्स की हुई हैं, तो ये फैसला हुआ है कि जी वो हमें परमिशन मिले या ना मिले, हम वो अपना जो एहतजाजी तहरीक है पीसफुल पुरअमन एहतजाजी तहरीक उसको हर सूरत में शुरू करेंगे अशूरा के फौरन बाद।